अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को झुमकी बनाना सिखाऊंगा। और इस तरह की जो झुमकी है, मैंने अभी आप लोगों को अभी तक तो मैंने आप लोगों को बनाना नहीं बताई, तो इसलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इस तरह की झुमकी जोड़ी किस तरह से हम बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास इस तरह की कोई झुमकी वगैरह आ जाए तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर ये पॉइंट्स मैंने यूज़ किए हुए हैं, जैसे ये जिगजैग बना हुआ है। तो अब आप लोगों के जहन में यहाँ पे ये सवाल भी आ रहा होगा कि ये पॉइंट्स जो है जिगजैग बना हुआ है, ये आर्क वगैरह लगाने से या कोई पॉइंट यानी कर्वे यूज़ करने से बनाया है, जबकि इसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से मैंने ये बनाई है, और इसी तरीके को मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा। तो ध्यान से एक चीज़ को देखिएगा, समझिएगा और फॉलो कीजिएगा, ताकि आप लोगों के जहन में अगर इस तरह की कोई सवाल हो, या अगर आप लोग अभी अभी तक सोच रहे हो कि इस तरह की चीज़ हम किस तरह से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को देख के आप लोगों के जहन के जो क्वेश्चन वगैरह हो वो क्लियर हो जाए। तो अभी तक मैंने अपने चैनल के ऊपर इस तरह की झुमकी आप लोगों को बनाना नहीं बताई, तो इसलिए आज की वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ये झुमकी बनाना सीखेंगे। तो चलिए इस झुमकी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर बता दूँ, जो आज की वीडियो को स्किप करके जाएगा वो अपना ही नुकसान करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं लेगा। फिर बाद में आप लोगों ने मैसेज करके पूछना, सर ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ से ये बता दें, यहाँ से ये बता दें। इसलिए वो वीडियो जब आया करे तो उसको कंप्लीट देखा करें, कंप्लीट समझा करें, कंप्लीट फॉलो कर लिया करें, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि समय आप लोगों के मैसेज आते हैं तो मैं भी मसरूफ़ होता हूँ, मैसेज नहीं देख पाता और जवाब नहीं दे पाता, तो आप लोगों को भी परेशानी होती है, फिर मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि यार मैं एक जवाब नहीं दे पा रहा आप लोगों का, क्योंकि मेरी भी अपनी कुछ मसरूफियात होती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि वीडियो को कम्प्लीट देखा करें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि झुमकी मैंने किस तरह से बनाई है। यहाँ से मैं देखें प्रोस्पेक्टिव व्यू में आ चुका हूँ अपने पास, और यहाँ सबसे पहले मैं कर्व में जाके यहाँ से एक सर्कल लेता हूँ, ठीक है, 10 mm का सर्कल। ये मैंने सर्कल लिया और यहाँ से मैंने इसको दिया ग्रीन कलर, ताकि हमें ये वाजे नज़र आना शुरू हो जाए। उसके बाद थ्रू फिंगर में जाके एक सिंगल लाइन लेंगे और F4 दबा के इसको लेंगे 10 mm की हाइट पे, ठीक है। उसके बाद 10 mm हम इसको यहाँ पे अभी सिंगल लाइन रहने देते हैं, बल्कि यहाँ सर्कल एक और लेते हैं 4.5 का सर्कल लिया। इसको मैंने हाइट कर दी तकरीबन इसकी 7 mm, ये मैंने 7 mm कर दी। इसके ऊपर जो बाकी का काम करेंगे वो टोटल हमारी 10 mm हो जाएगी। उसके बाद इस दोनों को मैंने एक कलर दे दिया, ठीक है, और इस वाले कर्व को मैं एक दफ़ा रीबिल्ड कर देता हूँ। रीबिल्ड मैंने 13 पॉइंट, ये 30 पॉइंट पे मैंने रीबिल्ड किया और ओके करा। उसके बाद मैंने यहाँ से आर्क ली एक, और आर्क लेने के बाद एक सेकेंड, इसको पहले राइनोस्ट्री यहाँ से देखें, राइनोस्ट्री लाजमी ऑन करनी है। राइनोस्ट्री मैंने ऑन करने के बाद दोबारा से एक दफ़ा इसको हम रीबिल्ड कर देते हैं, ठीक है। मेरी राइनोस्ट्री ऑफ थी यहाँ से, इसलिए मैंने दोबारा रीबिल्ड किया राइनोस्ट्री ऑन करने के बाद। तो आपने राइनोस्ट्री ऑन करने के बाद इसको रीबिल्ड लाजमी करना है, अगर आपकी ऑफ हो राइनोस्ट्री तो। अब हमने क्या करना है, यहाँ से आर्क लेनी है और एक पॉइंट यहाँ रखना है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर। उसके बाद थ्रू फिंगर में जाके यहाँ साइड व्यू में जाके यहाँ पे एक आर्क ऐसे लगानी, ये चीज़ ये हो गई हमारी। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों सरफेसों को लेके, ठीक है, इसको भी एक दफ़ा हम रीबिल्ड करते हैं, इसको कम पॉइंट पर रीबिल्ड करेंगे, हमको 10 कर देते हैं, और प्रीव्यू करते हैं और ओके कर देते हैं। इन दोनों को सरफेसों कर्वों को लिया मैंने, और यहाँ से सरफेस में जाके इसको मैंने स्वीप टू कर दिया, ये सरफेस मेरे पास रेडी हो गई और ओके कर दिया। उसके बाद इस सरफेस को लेके फिलहाल मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, और इस वाले कर्व को सेलेक्ट करके मैं पॉइंट्स ऑन कर देता हूँ। ये पॉइंट मेरे पास ऑन हो गए। अब मैंने क्या करना है, इनमें सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट नहीं करना, इनमें से एक को सेलेक्ट करना है, दूसरे को अनसेलेक्ट करना है, ऐसे। देखें, एक को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे को मैं स्किप कर रहा हूँ, ऐसे, ये चीज़ फिर यहाँ से ये चीज़ ऐसे, फिर ये, उसके बाद ये वाला सेलेक्ट है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे हम। ये सेलेक्ट करने के बाद हमने ये सेलेक्ट करना है, फिर ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, ये हमारे सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद सरफेस को हमने ऑन किया। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल 3D की कमांड यूज़ करनी है और F4 दबाना है। F4 दबाने के बाद शिफ्ट दबाएंगे और इस कर्वों को हम पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट किए उनको अंदर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे। जैसे मैंने पॉइंट्स को मूव किया अंदर की तरफ, और सॉरी, ये हमारे पॉइंट कॉपी हो गए, इसको हम यहाँ से कॉपी या नो करते हैं और दोबारा से इसको अंदर की तरफ मूव करते हैं। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे छोड़ा तो ये देखिए सरफेस हमारी कैसे एकदम से रीबिल्ड हुई है, ठीक है। अभी मैंने पॉइंट्स कम अंदर की तरफ मूव किए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से सेलेक्ट करके F4 दबाता हूँ और शिफ्ट दबा के इन कर्वों को ज़्यादा अंदर की तरफ मूव करता हूँ, ऐसे। तो देखें, जैसे ही मैंने ज़्यादा मूव किया अंदर की तरफ, तो हमारी सरफेस कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत हमारी ये शेप रेडी हो गई यहाँ पे, ये देखें,
कितनी खूबसूरत और कितनी स्मूथली हमारी शेप आ गई है। अब इसके अंदर कोई भी हमने कर्व नहीं लगाया, कोई आर्क नहीं लगाई, कुछ भी हमने इसके अंदर नहीं यूज़ किया है, जस्ट हमने पॉइंट्स को अंदर की तरफ किया है और ये देखें कितनी खूबसूरत और कितनी स्मूथली हमारी शेप रेडी हो गई। अब आपने ये करना है, स्केप करना है और उसके बाद इन कर्वों को मैं हाइड कर देता हूँ। अब इस सर्फेस को मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने स्केल 3D यहाँ से कॉपी किया, F4 दबाया और यहाँ से मैंने सर्फेस को हल्का सा अंदर की तरफ कॉपी कर लिया एक साथ। अब हमने क्या करना है, इन सर्फेसों को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, ये थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं ऐसे। ये हो गया मेरी सर्फेस कॉपी। अब यहाँ से जाके कर्व में जाके डुप्लीकेट एज लिए, एक ये वाला और ये वाला, उसके बाद राइट क्लिक और इसको लॉफ्ट किया हमने यहाँ सर्फेस में, ये लॉफ्ट कर दिया और ये लॉफ्ट हो गया, ठीक है, ये देखिए एक सर्फेस रेडी हो गई। उसी तरह से ऊपर जाके यहाँ से डुप्लीकेट एज लिया हमने और ये डुप्लीकेट एज लिया, उसके बाद राइट क्लिक, फिर सर्फेस में जाके लॉफ्ट कर दिया ऐसे, ये लॉफ्ट हो गया हमारा, ये सर्फेस रेडी हो गई। अब इन सबको सेलेक्ट किया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिक इसको गेज भी हो गया हमारा और ये ज्वाइन भी हो गई, हमें इसको ऑफ साइड सरफेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाएंगे हम, यहाँ से इसको फिलहाल मैं यहाँ से हाइड कर रहा हूँ सरफेस को। अब हमने जाना है लुकिंग डाउन में और यहाँ से जेम्स में, और यहाँ से हमने जाके पियर शेप, ये वाली शेप पियर लेंगे, यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको प्लास्टिक व्यू किया, F6 दबाया, जेम प्रोफाइल ले लिया इसका, नगीना को मैंने डिलीट किया और यहाँ से मैंने इसको रोटेट कर दिया ये ऐसे, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे दबा दिया, ठीक है, स्केल 1D यानी कि कर दिया इसको। कर्व में जाके ऑफसाइड कर्व करते हैं इसको, ऐसे ऑफसाइड कर्व करेंगे हम इसको 0.45 बस। उसके बाद इसको हम यहाँ से सरफेस में जाके प्लानर कर देते हैं, ये प्लानर किया मैंने। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ से सॉरी ये गलत बटन दब गया था जिस वजह से इसकी बार थोड़ी सी छोटी हो गई हमारी। उसके बाद इसको मैंने ऑफसाइड किया 0.4, ज़्यादा नहीं 0.4 बस, नॉर्मली 0.4। उसके बाद मैंने इस सरफेस को सिलेक्ट किया यहाँ से और मैं यहाँ मूव करके ऊपर की तरफ इसको लेकर आया यहाँ ऐसे, और यहाँ मैंने ऐसे रखा और इसको ऐसे रोटेट किया ये चीज़। यहाँ रोटेट करने के बाद मैं इसको यहाँ लाया और मैंने फिर मज़ीद ऐसे रोटेट किया, और यहाँ करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा दबाता हूँ यहाँ से ऐसे, और अब इसको मैं अरे पॉलर करता हूँ, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर पहले 8 पे करते हैं, ठीक है, तो ये 8 पे नहीं 6 पे आएंगे हमारे, ठीक है, इसको ऐसे, लेकिन हमने इसको 8 पे करना है तो हम इसको यहाँ से हल्का सा दबा लेंगे ऐसे, ये मैंने दबाया और 8 पे मैंने डिवाइड कर दिया इसको, तो ये देखिए ये आ गया हमारा। इसको मैंने हल्का सा बाहर निकाला ऐसे और हल्का सा यहाँ भी मूव कर दिया ऐसे, और इसको हल्का सा मैंने ये चीज़ सॉरी ये ज़्यादा मूव हो गया, यहाँ से इसको हल्का सा ऐसे मूव किया, ठीक है, ये मूव हो गया हमारा। उसके बाद लाइट से इसको अंदर की तरफ रोटेट करते हैं ये चीज़, और यहाँ से ऐसे। अब हमने क्या करना है, सॉलिड में जाके यहाँ से फ्लिट एज इसको यहाँ से और यहाँ से करेंगे, सरफेस के मुताबिक करेंगे, यहाँ से सेट ऑल 0.15 के, सरफेस बारीक है इसलिए हम इसको कम कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ हमारी यहाँ पे रेडी हो गई, ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से लुकिंग डाउन में जाके सॉलिड में तो हम मौजूद हैं, यहाँ से स्पेयर लेंगे और F4 दबा के स्पेयर को इतना लेंगे कि इसको चीज़ को कवर कर लें यहाँ से। अब यहाँ से लुकिंग थ्रू फिंगर में जाके इसको स्पेयर को हम सिंगल लाइन लगा के यहाँ से काट लेंगे बोथ साइड करके, ठीक है, उसके बाद स्प्लिट, फिर ये कर राइट क्लिक, इन दोनों को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, इस पेयर को लेके हम इसके ऊपर रख देंगे यहाँ ऐसे, और ये ओके हो गया, ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा छोटा किया इसको ऐसे और यहाँ इसके ऊपर मूव कर दिया। अब इसको हम गेज कर देंगे, ज़्यादा नहीं 0.3 बस, 0.3 का हमने गेज किया, उसने इसको यहाँ से कवर कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट किया यहाँ से और ग्रुप कर लिया, और इसको भी हमने यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू दबाया, ग्रुप किया और एक कलर दे दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं तकरीबन 1.5 जिसका अंदर का ये स्पेस होगा। उसके बाद 1.5 का सर्कल बनाने के बाद बाहर की तरफ हम इसको ऑफसाइड कर्व करेंगे 0.55, और इसके बाद इन दोनों के दरमियान में हम एक कर्व ले लेंगे, ठीक है, दरमियान में कर्व ले लिया और यहाँ से इसको हम पाइप करेंगे 0.7 का, डायमीटर पे क्लिक किया और टोटल 0.7 या 7.5 ये मैंने पाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको मैंने डिलीट कर दिया, अब ये अंदर का सर्कल हमारा उतना ही रहा जितना हमने लिया था, बाहर की तरफ हमने कुंडा बना लिया इसका। उसके बाद इसको खोला और डुप्लीकेट की कमांड ली, F4 दबाया और एक मैंने यहाँ पर ऐसे लगा दिया इस जगह पे मर्ज करके, और एक को मैं यहाँ ऐसे ले आता हूँ इस जगह पे इसको। अब राइनो हिस्ट्री हमने बंद कर देनी है, उसकी वजह यह है कि राइनो हिस्ट्री ऑन होने की वजह से ये कुंडा हम ऊपर लेके गए थे, तो जब मैं इसको मूव करूंगा तो देखिए ऊपर वाला भी हमारी अपनी जगह से हिल जाएगा, इसलिए अब राइनो हिस्ट्री का हमारा काम बंद खत्म हो गया, हम इसको बंद कर देते हैं। प्रोस्पेक्टिव में जाते हैं और यहाँ से इस कुंडे को मैं इधर लाता हूँ इस जगह पे, थोड़ा सा नीचे की तरफ करता हूँ ऐसे ये, और इसको मैंने यहाँ अंदर की तरफ यहाँ पे मूव कर दिया,
ओके हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफॉर्म में जाके अरे पॉलर और एफ फोर, उसके बाद हम इसको 10 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे 10 कुंडे लग गए, या आपने 8 लगाने हो तो 8 भी लगा सकते हैं। ये देखिए तो ये हमारे कुंडे भी यहाँ पे लग गए और ये हमारी झुमकी भी यहाँ पे रेडी हो गई। तो ये देखें कितनी जल्दी और कितनी स्मूथली और किस तरह से मैंने कर्वो को यूज़ करते हुए इस झुमकी को आपके सामने बनाया है। अभी तक मैंने इस तरह की झुमकी आप लोगों को नहीं बताई थी, ये अभी पहली दफ़ा मैंने आप लोगों को समझाई है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी और जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है वो आप लोगों को समझ में भी आई होगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर बना के मुझे दिखाएंगे, इन इस कमान को जो मैंने आपको कमान बताई है। देखिए बेसिकली कमान तो हमारी यही है स्वीप 1 स्वीप 2, लेकिन इसको यूटिलाइज़ मैंने किस तरह से किया है, ये यूटिलाइज़ अब आप लोगों ने अपने किस तरह से करते हैं अपने रोज़मर्रा के काम के अंदर, ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने कोशिश करनी है इस वीडियो में जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसको प्रैक्टिस करने की। उससे होगा ये कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके काम में निखार पैदा होगा, खूबसूरती पैदा होगी। और इसी तरह की वीडियो को मज़ीद देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, और उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम रिवॉल्व पे किस तरह से काम कर सकते हैं, कि रिवॉल्व क्या चीज़ है और इस पर किस तरह से काम किया जाता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।